को 12 बजे से 1 बजे के बीच में जठर अग्नि की तीव्रता कम होना शुरू होती है, तो उस समय थोड़ा कुछ हल्का खाएं, माने जितना सुबह खाया उससे कुछ कम खाएं तो अच्छा है, ना खाएं तो और भी अच्छा है। खाली फल खा लें, जूस पी लें, दही पी लें, मट्ठा पी लें, आदि आदि। शाम को फिर खाएं। अब शाम का बागवत जी कहते हैं कि आपने एक चीज देखी है ना, वो बहुत प्रकृति से सीखने की जरूरत है। दीपक, दीपक भरा तेल का दीपक आप जलाना शुरू करिए तो पहली लौ खूब तेजी से जलेगी, ठीक है, और अंतिम लौ भी तेजी से जलेगी। माने दीपक जब बुझने वाला होगा तो बुझने से पहले वो बहुत तेज जलेगा, यही पेट का भी नियम है। जठर अग्नि सुबह सुबह बहुत तीव्र होगी और शाम को जब सूर्यास्त होने जा रहा है तब भी तीव्र होगी, बहुत तीव्र होगी। तो कहते हैं शाम का खाना सूरज के रहते रहते खा लो, सूरज डूबा तो अग्नि भी डूबी। तो वैसे तो जैन दर्शन में कहा है रात्रि भोजन निषेध है, भागवत जी भी यही कहते हैं, तरीका अलग है बस। आप अहिंसा के लिए कहते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। वो ये कहते हैं शाम का खाना तो सूरज डूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं खाता। गाय को खिला के देख लो, नहीं खाएगी। भैंस भी नहीं खाती, खिला के देख लो। बकरी भी नहीं खाएगी, बकरा। गधे को खिला के देख लो, खाता नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं खाता। आप खाते हैं तो आप अपने को कंपेयर कर लीजिए कि किसके साथ हैं आप। कोई जानवर, कोई जीव राशि सूरज डूबने के बाद खाती नहीं, तो आप क्यों खा रहे हैं? प्रकृति का नियम भागवत जी कहते हैं पालन करिए, माने रात का खाना जल्दी कर दीजिए, सूरज के रहते रहते, माने 5-6 बजे के आसपास आपके यहां सूरज डूबता है, 6 बजे या 6:30 बजे, वही समय सबसे अच्छा है डूबने से पहले। अब कितना पहले? तो भागवत जी ने उसका कैलकुलेशन दिया, 40 मिनट पहले। सूरज डूबने का समय पता कर लीजिए, चेन्नई में सूरज शाम को 7 बजे डूब रहा है तो 6:20 तक, 6 बजे डूब रहा है तो 5:20 तक। ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, सूरज डूबने से 40 मिनट पहले का ही निकलेगा। तो 40 मिनट पहले शाम का खाना खा लीजिए और सुबह का तो सूरज निकलने के 2.5 घंटे तक कभी भी खा लीजिए, दोनों समय पेट भर के खा लीजिए। फिर कहेंगे जी रात को क्या? तो रात के लिए भागवत जी कहते हैं कि एक ही चीज है रात के लिए, कि आप कोई तरल पदार्थ ले सकते हैं जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूध कहा है। साध्वी जी तो वो भी नहीं ले सकते, साधु तो वो भी नहीं ले सकते, लेकिन आप गृहस्थी लोग हैं तो इतनी छूट चाहे तो आप ले सकते हैं। भागवत जी कहते हैं कि शाम को सूर्य डूबने के बाद, मैंने आपको कल कहा था, हमारे पेट में जठर स्थान में कुछ ऐसे हार्मोन्स या एंजाइम्स या रस पैदा होते हैं जो दूध को पचाते हैं, इसलिए वो कहते हैं सूर्य डूबने के बाद जो चीज खाने वाली है वो दूध है या पीने वाला है वो दूध है। तो रात को दूध रख लीजिए, 6 बजे तक भरपेट खाना रख लीजिए। सुबह का खाना अगर आपने 9:30-10 बजे खाया तो शाम को 6 बजे खूब अच्छी सी भूख लगेगी। फिर आप कहेंगे जी हम तो दुकान पे बैठे हैं 6 बजे, तो डब्बा मंगा लीजिए, दुकान में डब्बा आ सकता है। हाँ डब्बा आने में कोई तकलीफ नहीं है, दुकान में आप 6 बजे बैठे हैं डब्बा आपका आ सकता है। और मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आप में से कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट है, किसी को भी बात का गंभीर रोग है, आज से ये सूत्र चालू कर दीजिए, 3 महीने बाद आप खुद मुझे फोन करके कहेंगे राजीव भाई पहले से बहुत अच्छा हूं, शुगर लेवल कम हो रहा है, अस्थमा मेरा पहले से कम हो रहा है। ट्राइग्लिसराइड चेक कर लीजिए और इस सूत्र को शुरू कर दीजिए, 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, पहले से कम होगा। VLDL LDL आज चेक कर लीजिए, 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से घटेगा। HDL आज चेक करा लीजिए, 3 महीने बाद चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और HDL बढ़ना ही चाहिए, LDL VLDL कम होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।